तू अपने घर की हो जाएगी। अल्लाह ताला तुझे अपने घर में सुखी रखे ताकि तू अपने दुख दर्द भूल जाए, इतनी खुशियाँ दे इतनी कि तू पिछले सारे गम भूल जाए। साफ करो मेरा। अच्छा, क्या तुम मनुष्यों की तरह आंसू बहाती रहती हो? कोई और काम नहीं है सिवाय रोने के तुम्हें? कोई रुलाता है तो रोती हूँ ना। अच्छा, तो मुझसे कह रही हो ये तुम, हैं? साहिर है, आप ही को कह रही हूँ। अच्छा, बड़बड़ बंद करो और जाओ, जाके रूम साफ करो। चल। आपा ये बताओ कि मैं दुल्हन की गोद भराई में अपने पहनने के लिए कहां से जोड़ा लेकर आऊं? वैसे मैं तो सोच रही हूं कि करीमाबाद की मार्केट से ले आऊं जाके। अरे करीमाबाद तो इतना दूर है, वहां जाएगी वहां से जोड़ा भी अच्छा नहीं मिलेगा। यहां से करीब पड़ेगा जौबली मार्केट, वहां चली जा, वहां से जोड़ा भी अच्छा मिलेगा और नजदीक भी पड़ेगा। तुम तो चुपकी बैठी रहो। मरियम तू बता मुझे कि मैं जौबली मार्केट से लेकर आऊं जोड़ा या फिर करीमाबाद से? ये कहाँ है मार्केट? मैंने तो उनके नाम भी नहीं सुने कभी। या अल्लाह, मैं भी अंधे से रास्ता पूछने के लिए बैठ गई। अरे ये सिर्फ डिफेंस और क्लिफ्टन की मार्केट जाती है और यहाँ से बाहर ये अमेरिका और दुबई और एक जगह का और नाम बताया था। हाँ बहू, क्या था वो? टर्की। अरे टर्की, अच्छा अच्छा अच्छा। मरियम ये बताओ कि तुम कौन कौन से मुल्कों में गई हो? स्विट्जरलैंड गए थे, सिडनी भी गए थे, बहुत मजा आया। वालेकुम सलाम, आ गया मेरा बच्चा, खाना लगवाऊं तेरे लिए? नहीं अम्मी, ऑफिस में आज मीटिंग थी, वहीं पर सैंडविचेस और चंद चीजें खा ली थी, भूख नहीं। तुम्हारी तबीयत कैसी? I'm fine, thanks. अच्छा आमिर, तू बता मैं अपने लिए जोड़ा कहाँ से लूँ, जौबली मार्केट से या फिर करीमाबाद से? मुझे क्या पता, जो जगह आप बेहतर समझते हैं वहाँ सब खरीद लीजिए। भाई ये क्या बात हुई आमिर, आखिर को तेरी दुल्हन की गोद भराई में पहनना है ना मुझे, चल जल्दी से बता। गोद भराई? अम्मी ये फिर से गोद भराई का शौक चढ़ गया आपको? एक बात कितनी बार बोलूं मैं? देख आमिर बात सुन, आपा पे नाराज होने की जरूरत नहीं है, समझ गया? भाई दादी बनने की खुशी में अगर वो ये फंक्शन करना चाह रही है, घर में गोद भराई की रस्म करना चाह रही है तो करने दे, क्या हर्ज है? मेरे बच्चे मना न करना मेरी खातिर। हसन, इस वक्त कहाँ जा रहे हो? इस वक्त क्या मतलब? मैं तो रोज ही इस वक्त जाता हूँ। मैम, जब से तुमने चोरी के पैसों की बाइक खरीदी तुम्हारा पैर घर में नहीं टिकता। तो क्या करूँ मैम, चूड़ियाँ पहन के घर बैठ जाऊँ या आपकी उस पप्पो टाइप मासी की मदद करूँ मैं? ज्यादा ओवर नहीं बनू, मैं तो हमेशा से ही ऐसा हूँ मैम, लेकिन जब से आपके पैसे उठाए ना आपको कुछ ज्यादा ही बुरा लग रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि और मैं नहीं हो रहा, और आप हो रही। तमीज से बात करो, किस तरह बात कर रहे हो ये? आप ही की तरबियत है वहाँ ये सब। अच्छा मजीद कुछ कहना है या जाऊं मैं? कल मरियम का बेबी शाह है, तुम्हारे डैड इस्लामाबाद गए हैं तो तुम मेरे साथ वहाँ चलो, ठीक है? नो प्लीज, ये मेरे सामने ना मरियम 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 मत किया करें, नफरत है मुझे उससे और मुझे उसकी किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। आप ले जाइएगा ना अपनी इस चुड़ैल बहू को जो हर वक्त किचन में कीड़ा बनी हुई होती है। ये तो सर पे बैठ गया।
मम्मी। आए मेरी टांग, आए। मेरी बहू माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है, अल्लाह किसी की नजर ना लगे इसे। तू तो नहाओ, तू तो खलो। और खाला मैं कैसी लग रही हूँ? अरे तू तो है ही बहुत प्यारी माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक। हाय बैठे। अस्सलाम, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। और कोई नहीं आया आपके साथ? फीमेल इवेंट था, इसमें मर्दों का क्या काम? राणा साहब और आमिर ऊपर बैठे हैं, अगर आगा साहब और हसन आ जाते तो उन लोगों की गपशप ही हो जाती साथ। चलें कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ ना, काफी है। चलें बैठे तो सही आप। ऐसी बातें करते रहोगे या कुछ रस्म वसम भी शुरू करोगे? हाँ हाँ शुरू करें ना रस्में। बहन इजाजत दो, मुझे और भी जरूरी काम है तो अब मैं चलूंगी। अरे कुछ तो और रुको, तुम हो नहीं, काफी है बस, चलती हूँ। और हाँ, ये जो आपने अपने हाथ में पैसे दबाए हुए हैं, ये मैंने सोचा था किसी को खैरात कर दूँ। आपने तो मेरा मसला हल कर दिया, शुक्रिया। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना मरियम। बड़े लोगों की बड़ी बातें, खैरात कर देते, 5,000 रुपए मिल गए और क्या चाहिए। तुम नहीं समझोगी मम्मी, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती मम्मी। तो चुप करके बैठी रह ठिगनी। मम्मी मुझसे पंगा नहीं लो, सब बता दूंगी, सोच लो। बहुत बातें करने लग गई है तू। खाला बिला वजह झगड़ा ना करें प्लीज। अरे कोई गाना शाना, कोई डांस वांस तो दिखाओ भाई। हाँ हाँ मैंने तो ना डांस भी तैयार किया है। हाँ हाँ तो करके दिखाओ ना स्वीटी। हाँ ठीक है चल स्वीटी। Thank you.
हसन, इतना लाउड म्यूजिक सुन रहे हो? ये घर है, कोई क्लब नहीं है। और आपको मेरे उठने बैठने चलने फिरने में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही आजकल? मैं प्रॉब्लम कर रही हूँ या तुम मुझे प्रॉब्लम दे रहे हो? अच्छा, मैं प्रॉब्लम दे रहा हूँ आपको? इस मासी को घर पे मैं लेकर आया हूँ ना, हेमंत से शादी भी मैंने नहीं की और उस आमिर को हिस्सा भी मैंने ही दिया है। वाह 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 वाह, ये सब कुछ आपने किया है मॉम, आपने किया है। ओ, तो एमन का गम तुम्हें खाए जा रहा है? तो उसकी एंगेजमेंट हो रही है मॉम किसी और से, बचपन की दोस्त थी वो मेरी और आपकी वजह से किसी और से एंगेजमेंट हो रही है उसकी। तो चलो अच्छा है ना, जान छूटी मेरी, मैं तो इस चुड़ैल को लाने ही नहीं पसंद कर रही थी इस घर में। क्या कहा आपने? एक सेकंड, तो ये सब आपने जानबूझ के डिले किया है मॉम? ओह माय गॉड, सो यू आर द मास्टरमाइंड, हाँ? नाउ यू विल सी मॉम कि क्या करता हूं मैं, यू विल सी, आई प्रॉमिस। हसन, हसन, मुझे तुम्हारे साथ मनानी थी रिज, देखो देखो सब कितने खुश हैं। काश काश तुम आज यहां होते तो इस खुशी का मजा ही कुछ और होता। मिठाई तो बड़ी मजेदार है, मजा आ गया। बस कर दो बड़े मियां, बस कर दो। अरे इतनी शुगर है और बढ़ जाएगी मीठा खाने से। हाँ बेटा, थक गई होगी, चलो कपड़े बदल लो अपने। आराम से हाँ, आराम से जाना। अम्मी झूला मेरी तरफ से होगा मुन्ने का। चल ठीक है। और आपा सुन लो मेरी बात, लंगोटियां मेरी तरफ से होंगी। हाँ 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 भाई, लंगोट तेरी तरफ से। बीना आपी, आपको कैसे पता कि मुन्ना होगा या मुन्नी? तू देख लेना, मुन्ना ही होगा, मेरा रिजवान दोबारा आएगा। मेरा रिजवान जरूर आएगा। सबर करो आपा, सबर करो। Thank you.
कैसी अजीब हालत है मेरी। मेरे घर वाले खुशियां मना रहे हैं और मुझे मातम का गुमान हो रहा है। भाई प्रोग्राम तो बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह, पर अच्छा ये हुआ कि तुम्हारी अम्मी ने शिरकत भी कर ली, वरना मरियम तुम्हारे दिल में अफसोस रह जाता। ऐसे लग नहीं रहा था कि उनके आने का कोई प्रोग्राम था यहाँ। भाभी आपने कपड़े क्यों नहीं चेंज किए अब तक? रवीना बेगम हमें भी कुछ खिला दो, बड़ी भूख लग रही है। अच्छा अच्छा अभी लाती हूँ। आमिर क्या बात है, तू इतना चुप चुप क्यों है?